नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है मक्खन बनाने की। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को मक्खन और मिश्री का भी भोग लगता है, जो कि उन्हें बहुत प्रिय होता है। आज जो ये मक्खन है, इसको हम घर पर ही तैयार करेंगे और आप देखेंगे कि सिर्फ मलाई से मिनटों में हमारा एकदम ये सफेद मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। तो मक्खन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है मलाई, वही मलाई है जो डेली हम दूध में से निकालते हैं, और इसको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था। ये 5 से 6 दिन की मलाई है, इसको मैंने 2 मिनट पहले ही फ्रिज में से निकाल के बाहर किया है। थोड़ा हम इसे निकाल के रखेंगे 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको स्पून से फेंटेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लगभग ही हुए हैं इसको फ्रिज से बाहर निकाले हुए। तो अब हम एक कोई बोल ले लेंगे, आप चाहें तो कोई पतीला ले सकते हैं, बड़ा बर्तन लेना है जिससे कि हमें इसको चलाने में आसानी रहे। तो अब हम इस मलाई को इस बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, एक बड़े साइज की हमें स्पून लेनी है और उससे हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अगर आपको स्पून से चलाने में प्रॉब्लम हो तो आप विस्कर भी ले सकते हैं, उससे भी इसको आसानी से चला सकते हैं, या जो चमचा होता है और भी बड़े साइज का होता है वो आप ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल एक जैसा ये हो जाए तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है और आप देखेंगे कि एकदम सफ़ेद मक्खन हमारा ये बन के तैयार होगा। इससे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस फ्रिज से निकाल के हम इसको 2 से 3 मिनट बाहर रखेंगे जिससे कि हल्की सी नॉर्मल सी हो जाएगी। अभी हमने इसको 2 मिनट के लगभग फेंटा है, तो आप देख सकते हैं कि एकदम ये मलाई जैसा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इस तरह से ले लिया है, आइस क्यूब्स डाल के आधा कटोरी के लगभग मैंने पानी लिया है। और ये पानी डालने के बाद अब हम इसको बराबर से चलाते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि फटाफट से अब ये मक्खन आ जाएगा, ये गाढ़ा होने लगेगा। तो आप देखेंगे 2 से 3 मिनट इसी तरह से चलाने के बाद अब हमारा जो ये मिक्सचर है ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हमें चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है, थोड़ा सा हम स्पीड से अब इसको इस तरह से चलाएंगे और आप देख सकते हैं कि पूरा मक्खन मैं चम्मच से ही निकालूंगी। ये देखिए जैसे ही ये गाढ़ा होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो मक्खन है वो तैयार होने वाला है। तो बराबर से हम इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे थिक रहेगा तो आपको चलाने में परेशानी हो सकती है, लेकिन इस तरह से स्पून को आप उठा उठा के चलाएंगे तो आसानी से चल जाएगा। और आप चाहें तो इसे स्टेज पर थोड़े से आइस क्यूब्स इसमें और डाल सकते हैं जिससे कि फटाफट से जो हमारा मक्खन है ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 इसमें आइस क्यूब्स डाले हैं और अभी ये मट्ठा छोड़ेगा, तो अभी हम इसको चलाना बंद नहीं करेंगे, अभी हमारा ये मक्खन निकल के तैयार नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि अभी इससे जो मट्ठा है यानी छाछ है वो अलग होने लगेगी। तो मैंने वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, मैं आपको बराबर से दिखा रही हूँ जिससे कि आप देख सकें कि जो हमारा मक्खन है एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा और एकदम सफ़ेद मक्खन हमारा ये बन के तैयार होगा। बस इसी तरह से इकट्ठा करते हुए हम इसे चला लेंगे। आप चाहें तो इसे बनाने के लिए थोड़ा और बड़ा बर्तन ले सकते हैं, छोटे बर्तन में आपको चलाने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो मक्खन है वो ऊपर आ गया है और इसने मट्ठा भी छोड़ दिया है। इस तरह से मैं आपको किनारे से दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा हम इस तरह से ठंडा पानी डालते हुए इसको एक बार और चला देंगे जिससे कि जो हमारा मक्खन है ये इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए और आप देख सकते हैं कि हमारा एकदम ये परफेक्ट मक्खन बनके तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारा ये मक्खन बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसने मट्ठा भी छोड़ दिया है यानी छाछ भी छोड़ दी। एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है, तो अब हम इसको इस तरह से इकट्ठा करते हुए निकाल लेंगे, दबाते हुए जो भी इसका जो मट्ठा होगा यानी जो छाछ होगी वो इसी में रहने देंगे। ये देखिए और इसको हम इस पानी में रख देंगे जिससे कि जो भी इसमें मट्ठा होगा तो वो इसी पानी में निकल जाएगा और मक्खन हमारा बिल्कुल साफ बन के तैयार होगा। ये देखिए तो इसी तरह से हम अपना पूरा मक्खन
इसमें से निकाल के तैयार कर लेंगे इसी तरह से इकट्ठा करते हुए। तो ये देखिए मक्खन हमने बना के तैयार कर लिया है। तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और आप देखेंगे घर का हमारा एकदम शुद्ध और सफेद ये मक्खन बन के तैयार है। इसको आप किसी भी बोल में स्टोर करके फ्रिज में एक हफ्ते के लगभग रख के यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये मक्खन बन के तैयार है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा केसर के धागे से सजा दे रही हूँ। जो ठाकुर जी को या कान्हा जी को हम भोग लगाते हैं वो बिना तुलसी की पत्ती के पूरा नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने तुलसी की पत्ती भी रख दी है। तो ये देखिए हमारा एकदम सफेद ताजा ये मक्खन बन के तैयार है। आज जन्माष्टमी है, आप कान्हा जी को माखन और मिश्री का भोग लगाइए। आप इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।